क्या क्या करते हैं पल्लेदारी मंडी में, हाँ कुबेरी में, कुबेरी में मंडी है तो वो ढोने का काम करते लाने ले जाते। मुझे बहुत दुख हुआ वो घटना देख के, मैं माफी चाहता हूँ ये, क्योंकि मेरी ड्यूटी है, मेरे लिए तो जनता ही भगवान जैसे है, गरीब भगवान जैसे। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब का मामला तुल पकड़ता जा रहा। इसी बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित दशरथ रावत को अपने घर बुलाया। भोपाल में मुख्यमंत्री आवास में सीएम शिवराज ने दशरथ रावत के पैर धोए और उनका सम्मान किया। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने दशरथ से माफी भी मांगी और इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर भी साझा किया। सीएम शिवराज ने कहा कि मन दुखी है, मेरे लिए जनता ही भगवान है। सीएम शिवराज ने दशरथ से पूछा कि आपको राशन मिलता है, क्या करते हैं आप और क्या बच्चे पढ़ाई करते हैं। इन सब के जवाब दशरथ देते दिखाई दिए। तो वहीं शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा कि अगर आपको कोई परेशानी हो तो मुझे बताना। बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको बहुत कोई परेशानी घर में कुछ भी होती मुझे बताना। क्या क्या करते हैं आप पल्लेदारी मंडी में, हाँ कुबेरी में, कुबेरी में मंडी है तो वो ढोने का काम करते लाने ले जाते। मुझे बहुत दुख हुआ वो घटना देख के, मैं माफी चाहता हूँ ये, क्योंकि मेरी ड्यूटी है, मेरे लिए तो जनता ही भगवान जैसे है, गरीब भगवान जैसे। अपना नाश्ता करिए, चलो मेरे साथ। मेरे लिए दरिद्र ही नारायण है और जनता ही भगवान है। जनता की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है और हम ये मानते हैं कि हर इंसान में ही भगवान निवास करता है। भाई दशरथ के साथ अन्याय हुआ, मेरा मन दर्द पीड़ा और व्यथा से भर गया, इसलिए मैंने दशरथ को यहां बुलाया और मन चूंकि गहरी वेदना से भरा हुआ था, मन में बहुत तकलीफ थी कि एक बहुत अमानवीय घटना हमारे भाई के साथ घटी। मैं व्यथित था और मैं अंतरात्मा से मानता हूं कि गरीबी हमारे लिए पूज्य है और उसका अपमान, मतलब हम सबका अपमान है। मन की व्यथा और पीड़ा कम करने के लिए मैंने आज दशरथ को यहाँ बुलाया, मैंने दशरथ के पैर धोए, पानी माथे से लगाया ताकि मेरी व्यथा और दर्द कम हो सके। मन में जो पीड़ा थी उस पीड़ा को मैं कम कर सकूं। एक तरफ जिसने अन्याय किया उसको कड़ी सजा, और जो अपराध करता है, अन्याय करता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई पार्टी नहीं होती। और इसलिए जिसने अन्याय किया उसको कड़ी सजा और जिसके साथ अन्याय हुआ उसको कलेजे से लगा के उसकी पीड़ा भी कम करने की कोशिश। मैं प्रदेशवासियों से भी अपील करना चाहता हूं कि हम सबके प्रति और विशेषकर गरीबों के प्रति, हमारे ऐसे भाई बहनों के प्रति हम मानवीयता, करुणा, प्रेम, दया और संवेदना से भरे रहें, क्योंकि एक ही चेतना के तो अंश हैं हम सब।
उसी भगवान ने, एक ने हम सबको बनाया है, तो इंसान इंसान में कैसा भेद। हम कोई भेद ना करें, सम्मान और सुरक्षा गरीब के लिए भी जरूरी है, आत्मसम्मान गरीब का भी है, उसको हम बनाए रखें। और यह संदेश भी शासन और प्रशासन को, दशमत का पैर धोना, चरण धोना एक संदेश भी है कि गरीबों के साथ में किस संवेदना के साथ उनकी सेवा करता हूं, और कोई गड़बड़ करेगा तो उसको कठोरतम सजा मिलेगी। ऐसे लोगों को भी यह संदेश है, और जनता, शासन, प्रशासन सबको भी यही संदेश है कि गरीबों का सम्मान और उनका स्थान भी हम सुरक्षित रखें। दशमत मेरा साथी है, मेरा भाई है, हर परिवार की जो जरूरतें होगी, आवश्यकता होगी, उसका भी ध्यान रखेंगे, उसके सम्मान और सुरक्षा की भी चिंता करेंगे। मेरे मन में सहज भाव आया, मैं कोई भगवान कृष्ण जैसा नहीं हूं, लेकिन मुझे लगा कि मेरा भाई आया है तो मैं प्रेम से उसको गले लगाऊं और उसको सम्मान देने की कोशिश करूं, यही भाव मेरे मन में था। दो ही चीजें, एक संदेश कि गरीब की इज्जत सबसे बड़ी है हमारे लिए, और दूसरा कठोरतम दंड ताकि कोई ऐसी हिम्मत ना करे।